मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस अभी रतलाम सीट से प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर सकी है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को कांग्रेसियों के बगावती तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो ये बगावत कहीं और नहीं बल्कि कमलनाथ के छिंदवाड़ा में ही हो रही है। कमलनाथ के छिंदवाड़ा में मेयर की सीट एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। यहां कांग्रेस ने विक्रम आहके को मैदान में उतारा है। विक्रम की दावेदारी पर महाकौशल का आदिवासी ग्रुप G11 ने अपनी नाराजगी जता दी है। G11 के नेताओं का कहना है कि वे विक्रम के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। हालांकि बागी तेवरों को फिलहाल ठंडा कर लिया गया है। वहीं विक्रम आहके के जरिए कांग्रेस आदिवासियों में युवा नेतृत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पार्टी की तरफ से विक्रम को जिताने की तैयारी जोर शोर पे है। वहीं इस सीट पर बीजेपी ने अनंत धुर्वे को मैदान में उतारा है।